जी के रिटायर्ड एयर मार्शल, जिनमें जिसमें उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाने के लिए पीसीएल का मीटर लगवाने के लिए गूगल पे कस्टमर केयर नंबर सर्च किया था, तो उसके बाद जब उन्होंने कॉल किया तो उनके साथ अराउंड 3 लाख का फ्रॉड हुआ था। तो इसमें हमने इंक्वायरी करके उसके बाद इसमें FIR हमने तुरंत दर्ज करी थी, और उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन में जो भी बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह की स्टेटमेंट है उस बेसिस पे सबसे पहली अरेस्ट हमने 23 नवंबर जिसका हम पहले प्रेस रिलीज भी दे चुके हैं, 23 नवंबर को पहली अरेस्ट डाली थी इसमें बरेली से। उसके बाद 2 फॉलो अप अरेस्ट इसमें हुई थी सिवान बिहार से। तो जो उन ये तीनों बंदों के इंटरोगेशन से हमें पता चला कि एक अनूप पांडे और गोविंदा हैं जिनके कहने पे उन्होंने ये ट्रांजैक्शंस करवाई थी। तो उसके बाद फर्दर ये हमने इसमें हमारे SHO साहब खुद और इनके साथ 4 NGOs हमारे SI KD सिंह, ASI बलवान, ASI जतिंदर, ASI जोगिंदर, ये हमारे अराउंड 30 लोगों की टीम इसमें दोबारा से रेड में निकली। तो उस बेसिस पे ये बिहार में से छपड़ा बिहार में से गोविंदा और अनूप कुमार को हमने अरेस्ट किया। उसके बाद फर्दर अरेस्ट हुआ कलकत्ता से नीरज और धीरज, 2 भाई हैं, और उसके बाद फर्दर उनके इंस्टेंस पे खड़गपुर जहाँ पे एक प्रॉपर ये कॉल सेंटर चला रहे थे वहाँ से हमने 5 बंदे अरेस्ट करे हैं। तो टोटल अभी तक इसमें 12 लोग अरेस्ट हुए हैं। तो इसकी मैं थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। जो इसमें अनूप, गोविंदा, नीरज और धीरज हैं, ये पहले भी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये बिहार की जेल में रहे हैं। इनमें से 3 ये नीरज, धीरज और गोविंदा एक्साइज उसमें थे, और अनूप कुमार ब्लैक मनी के चक्कर में ये चारों लोग जेल में मिले थे। तो वहाँ नीरज और धीरज जेल जाने से पहले से साइबर क्राइम का काम करते थे, ये 2-3 सालों से हमारी पूछताछ में सामने आ गई, हर तरीके का इन्होंने साइबर क्राइम करा। जैसे वो पहले मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन के नाम पर चलता था, कॉल करते थे कस्टमर केयर नंबर, तो ये काफ़ी टाइम से फ्रॉड करते थे। उसके बाद इनको जब ये जेल में ये लोग मिले, जेल के बाहर जेल के अंदर इन्होंने प्लानिंग कर ली, जब जेल से आए तो इन लोगों ने आपस में टाई अप रखा। तो ये जो इसमें गोविंदा और अनूप हैं, ये लोग कलकत्ता भी गए नीरज धीरज के पास। तो जो नीरज धीरज हैं उनका इसमें मेन काम ये है कि जो भी कोई भी साइबर फ्रॉड होता है उसमें बैंक खाते बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, बिना बैंक खाते के कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता। तो ये लोग बैंक खाते प्रोवाइड करवाते थे, जो खड़गपुर से कॉल सेंटर चल रहा था वहाँ पे जो भी बैंक खाते प्रोवाइड करवाने हैं कि किस में ट्रांजैक्शन जाएगी या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर, वो ये सब लोग प्रोवाइड करवाते थे नीरज और धीरज। इसके अलावा ये लोग जो सिम कार्ड वगैरह हैं वो भी प्रोवाइड करवाते थे, जो जाली सिम कार्ड। तो जो ये खड़गपुर से हमने अक्यूज्ड अरेस्ट करे हैं 5, वहाँ पे इन्होंने एक रेंटेड मकान लिया हुआ जहाँ से हमें 15 फ़ोन बरामद हुए हैं, और जो ये सब फ़ोन हैं अभी तक की जांच में सामने आया कि वो सब नंबर कहीं ना कहीं गूगल कस्टमर केयर पे डाले हुए हैं इन लोगों ने। तो उस वजह से लोग इनको कॉल करते हैं, तो उसके बाद ये इनका OTP वगैरह उनसे शेयर करवा के ये उनके साथ फ्रॉड करते हैं। तो वहाँ जो इनका रेंटेड मकान है वहाँ से हमें ये भी पता चला कि ये पूरा अपना अंदर ही बंद रहते हैं, जैसे उनमें से कुक भी है तो वो सारा अपनी जो भी उनकी सेटिंग है कि घर से कम जाना पड़े तो वो अपना अंदर ही रहते हैं। तो ये लोग सब जो हैं ये हैं जामतारा के अराउंड, देवगढ़ और दुमका डिस्ट्रिक्ट के, और ये अपना कॉल सेंटर चला रहे हैं खड़गपुर से। तो ये भी नया इनका मॉडस ऑपरेंडी है कि ये एक रीजन के, इनको सबको पता है कि जामतारा वगैरह में काफ़ी रेड्स हो रही हैं, तो ये अपने घर से दूर इन्होंने रेंटेड मकान लेके वहाँ से ये लोग कॉल सेंटर चला रहे हैं। और अभी तक ये भी पाया गया है कि जो इनका ये सारे इक्विपमेंट है बेसिकली मोबाइल फ़ोन्स, ये मोबाइल फ़ोन तो सेम है बट ये वहाँ पे ग्रुप भी चेंज होता रहता है, जैसे मे बी इनके 3-4 ग्रुप हैं जो ये कॉल करने वाले लोग हैं फ्रॉड करने वाले, तो वो थोड़े थोड़े टाइम बाद थोड़ा ग्रुप भी चेंज करते रहते हैं ताकि थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाए। तो इसमें जो हमारा कॉलिंग नंबर था, जिस नंबर से कॉल हुआ था, वो वाला फ़ोन भी इनमें से बरामद हो गया है, और जो कॉल हुई थी वो अमित कुमार के नाम से हुई थी, जो उन्होंने कॉलर ने इंट्रोड्यूस किया था अपने आप को, अमित कुमार इंट्रोड्यूस किया था। तो जो इनमें से एक है सफ़ीक अंसारी अलियास गुड्डू, तो उसका हमें एक जाली आधार कार्ड भी मिला जो उसने अमित कुमार के नाम पे बनाया हुआ है। उसका असली आधार कार्ड अलग है, एक उसने अमित कुमार के नाम पे आधार कार्ड बनाया हुआ है, और इनके फ़ोनों से प्रॉपर सब चैट भी मिली है जो उस दिन हुई थी। तो इसमें जो भी उस इंसिडेंट का हुआ जो हुआ वो सारा इनसे एविडेंसेस रिकवर हो गए हैं। PCL की साइट पे जाके फिर उस नंबर पे कांटेक्ट करें, यही तो बात है ना, वहाँ पे नहीं करना, यही हम अवेयर कर रहे हैं। हाँ जी, ये एडिट करते हैं जो गूगल पे प्रोफाइल बनाई, तो यही हम आपके माध्यम से लोगों का अवेयर कर रहे हैं, और हम गूगल के साथ भी I4C के थ्रू इसको टेकअप पहले भी करा है, अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल 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 जी, नहीं इसमें PSPCL की गलती नहीं है,
PSPCL की गलती नहीं है, इसमें उनका जो गूगल वाला अकाउंट था उस पर किसी ने अपना नंबर डाल दिया फ्रॉडस्टर ने। आम लोगों को 3-4 ऊपर के तरह के फ्रॉडस्टर उसी तरह की कॉपी कर लेंगे। नहीं तो उस टाइम पे अगर हमने कोई कॉल कर ली है तो हमें थोड़ा मन में सतर्क रहना चाहिए कि OTP वगैरह नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो भी ऑथेंटिक हुआ वो कभी भी आपको OTP नहीं मांगेंगे। हाँ होते हैं उस पर भी फ्रॉड भी करते हैं। फिर ऐसी तो काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं जी, जैसे इस साल में अभी तक 6,000 कंप्लेंट्स हैं मेरे हिसाब से इस मॉडस ब्रांडिंग के, उसमें से 300 के अराउंड कंप्लेंट्स होंगी। मतलब कुछ ये बिजली के मीटर के, उसमें ये जो गूगल कस्टमर केयर नंबर सर्च वाला है। मैक्सिमम लोग हैं नहीं नहीं वो तो इन्होंने अपने जाली नंबर जो इनके फ्रॉडस्टर्स के नंबर हैं वो गूगल अकाउंट हैक करके वहाँ पे डाल दिए हैं। तो जब हम कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं गूगल पे तो इनको खुद ही कॉल जाता है, तो जिनका कॉल जा रहा है उनको ये फ्रॉड कर रहे हैं उनके साथ। उस पर भी डाले होते, जैसे हमारा एक खुद ही हमारे पास एक DTDC की कंप्लेंट है, उसमें चीटेड अमाउंट थोड़ी कम है, तो उसमें भी जो नंबर आए हैं वो इससे कनेक्ट हो गए हैं। हाँ इसका वही मैंने आपको जो मॉडस ब्रांडिंग बताया कि जो नीरज धीरज हैं इसमें जो अकाउंट वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये 2-3 साल से इनका काम चल रहा था, ये कोविड से इनका काम चल रहा था बिल्कुल। जो ये अनूप और गोविंदा है ये इनको जेल में मिले हैं, तो उनको जेल में आने के बाद उनके साथ इनका इंट्रोडक्शन हुआ। कितना नेक्सस, कितना बड़ा नेक्सस है, कितने ग्रुप के मेंबर है, जैसे अभी तो 12 की गिरफ्तारी जो है वो हुई है, उसके अलावा? नहीं, इसके अलावा जो जामतारा है इन जैसे हमें लगता है कि और भी काफ़ी लोग होंगे, तो अभी भी हमारी टीम रेड पे है, तो इसमें और भी गिरफ्तारियाँ करेंगे हम, बिल्कुल इसकी जड़ तक जाएंगे। गिरफ्तार के बाद शॉर्ट आउट हुए? हाँ जी। इनकी गिरफ्तारी के बाद अभी तक अगर हम बात करें तो कितने केस सॉर्ट आउट हुए हैं? नहीं नहीं, केस तो ये सॉर्ट आउट हुआ है, वो हम जो पूरा ऑल इंडिया लिंकेजेस आएंगे वो अभी हमने ऑलरेडी I4C उसको भेज रहे हैं, तो वो लिंकेजेस पता चल जाएंगे। जैसे वो लोन ऐप में 1600 लिंकेजेस आई थी, तो वो 2-3 दिन उसमें लगते हैं, तो अभी हम ये सारे जो IMEI नंबर हैं इनको हम शेयर कर रहे हैं I4C के साथ, तो वो हमें लिंकेजेस पता चल जाएंगे। बैंक अकाउंट नंबर किन के होते थे, जैसे आपने बताया क्योंकि अकाउंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है जो भी साइबर फ्रॉड होता है, तो ये भी इनकी सेम होती थी कि किसी छोटे लेबर टाइप के लोग के? बिल्कुल, जैसे इसमें जो अनु ये जो हमने पहले सिवान से पकड़े थे या बरेली से पकड़े थे, उन्होंने अपने अकाउंट नंबर वगैरह दिए हुए थे, जो अब जो उसमें नीरज धीरज इस चीज़ के मास्टरमाइंड है बैंक अकाउंट प्रोवाइड कराने के लिए, तो उन्होंने आगे अपने नेटवर्क खोल रखे हैं। जैसे अब जो अनूप और गोविंदा है वो उनका एक ग्रुप हो गया, अनूप गोविंदा ने आगे इनको ये जो पहले पकड़े हैं हमने बरेली और वहाँ से उनके अकाउंट नंबर दिए, तो ऐसे इनका बहुत बड़ा ग्रुप है वहाँ पे, अलग अलग ग्रुप करा हुआ है इन्होंने, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज करा हुआ है, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, तो अलग अलग बिल्कुल 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 जो बिल्कुल उसमें कमीशन है जी, उसमें कमीशन है बिल्कुल, जैसे किसी में 10,000 किसी में परसेंट के हिसाब से है कि 3% मिलेगा, और इसमें अभी तक ये भी हमने पाया गया कि ये फॉरेन अकाउंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा कमीशन है। किस किन लोगों के सर आप कर लें जी ब्रीफ? Haryana Marble Store, the best Italian marble, granites and tiles. Specialist in Italian marble, Katni marble, all Indian and imported granites. Haryana Marble Store, Marble Market, Sarangpur, Chandigarh. For more information, call 9888-8432-636, 9988-18-8801.